3 करोड़ से ज्यादा जितने भी राशन कार्ड हैं, उन पर 1 मई से वितरण की प्रक्रिया पुनः चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया, व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है, और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ। जहां कहीं कोई शिकायत थी, उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो, और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 है, यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं, और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है, और साथ ही साथ PPE किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि जनपद के हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियोटैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15,000 से 25,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाए। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है, और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी, और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी, और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया गया। तो पहला निर्देश मुख्यमंत्री जी ने आज ये दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद। दूसरा निर्देश जो उन्होंने दिया है वो है कि L1, L2 एवं L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाना। हर हालत में प्रत्येक जनपद में अस्पताल हो, L1 हो, L2 हो, और जो हायर लेवल के अस्पताल L3 हैं, यानी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश उन्होंने दिया। कल शाम को भी उन्होंने 6:30 बजे स्वास्थ्य सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ सभी अपग्रेडेशन के आदेशों को आज तक जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं, और लगातार इस पर जो है क्षमता विस्तार पर कार्रवाई हो रही है, और साथ ही साथ PPE किट, N95 मास्क और जो भी जरूरत की सामग्री है, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उन्होंने उसको जो है व्यवस्थित रूप से जिलों स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। तीसरा जो उन्होंने आदेश दिया है वो यह है कि जनपद के हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियोटैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम
कम 15,000 से 25,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिए जाए। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि कल और परसों हरियाणा से हमारी बसें आई थी, और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी, और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई। 328 बसें कल आई हैं, और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में, और 9,992 ये सब श्रमिक हैं जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर ये इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है। और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। 349 सहारनपुर से 76, शामली से 61, बागपत से 49, मथुरा से 70, बुलंदशहर से 93। 349 बसों को जो है हमने जो है वहाँ जनपद स्तर पर भेजा कल शाम तक, रात तक, और अब सभी बसें अपने स्थानों तक पहुंच गई हैं। सारे श्रमिक जिले स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर में पहुंच गए हैं अपने गृह जनपद में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण कदम है। सब यूपी पहला प्रदेश था जिसने कोटा से अपने बच्चों को बुलाया और एक एक बच्चे का देखभाल करके, उनको एक एक बच्चे को घर भेजकर, ऐसे एक एक बच्चे से फोन से बात हो रही। और ऐसे ही हमारे जो श्रमिक अभी हरियाणा से आए हैं, एक एक श्रमिक का क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखकर उनका फिर हालचाल लिया जाएगा, और जब भी जैसे भी उनका समय पूरा होगा वो अपने होम क्वारंटाइन में जाएंगे। ये सारे हरियाणा से हैं। ये जो श्रमिक हैं ये कुल मिलाकर 9,992 कल आए हैं, 2,224 परसों आए थे, तो कुल मिलाकर जो है ये लगभग 12,200 श्रमिक जो है हमारे 12,200 श्रमिक हमारे हो जाते हैं। यानी 12,000 से अधिक श्रमिक हरियाणा से, हम लोगों ने हरियाणा सरकार से बात करके उनके यहाँ से जो है व्यवस्था की है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने व्यवस्था वहाँ के अधिकारियों को दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में हमारे सभी अधिकारियों को आदेश दिया, और ये एक्सचेंज जो है बड़ी ही सुकून से, बड़े ही अच्छी व्यवस्था से हुआ है। पूरा हरियाणा का हमारा जितना भी श्रमिक है, जितना भी हमारा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, वो आ चुका है, जो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, और एक एक का मेडिकल परीक्षण करके हमने लिया है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चरणबद्ध रूप से लोगों को लेंगे, ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसी कड़ी में जो है ये कार्य हुआ है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया गया कि प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी जहां छात्र की बात आती है तो छात्र हित वो सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये जो छात्र हैं
छात्राएं हैं, ये हमारे प्रदेश की धरोहर है। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं ये हमारे प्रदेश की धरोहर है, यूथ है, और इनको हमको संभाल के रखना है, इनका हित देखना ही है। कोटा के छात्र पूरे देश में सबसे पहले हमारे प्रदेश में आए हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने ये आदेश दिया है कि प्रयागराज के प्रदेश में जो भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शहर में निवास कर रहे हैं, जिनकी वर्तमान में जो संख्या है 9 से 10 हजार है छात्र छात्राओं की, वो जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस के अधिकारी, वहाँ के रोडवेज के और MD रोडवेज को ये आदेश दिया जा रहा है कि लगभग 300 ऐसी बसें लगाकर उनको भी चरणबद्ध रूप से एक एक का नाम, पता, मोबाइल नंबर लेकर 300 बसों में पहले चरण में सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और चित्रकूट में भेजेंगे, और फिर दूसरे चरण में इन्हीं 300 बसों से प्रदेश के अन्य जनपदों में उनको चरणबद्ध रूप से भेजा जाएगा। जो भी बस वहां से भेजी जाएंगी प्रयागराज से, उन छात्र छात्राओं को की सूचना बनाते टाइम पर्याप्त वहां पे अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पुलिस आरक्षी गंतव्य स्थान तक ले जाएंगे। बसों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिए अलग से होगी, और ये बसें प्रयागराज में 3 स्थानों से चलेंगी। ये जो भी छात्र छात्राएं हैं प्रयागराज में, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का तोहफा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद छात्रों के लिए सोचा, और आज अभी घंटे भर पहले उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में है उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। यदि वहां पर कोई अन्य प्रदेश के छात्र होंगे तो अगर वो प्रदेश ले जाना चाहेंगे तो वो भी अनुमति दे दी जाएगी। तो ये चरणबद्ध रूप से है। छात्र छात्राओं से ये निवेदन है कि कोई जल्दीबाजी ना करें, जिला प्रशासन धीरे धीरे आपकी व्यवस्था कर देगा और 2 दिन में आपकी ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, और इस कार्य से जो है काफी हद तक प्रयागराज में जो छात्र काफी दिनों से रुके हुए हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। एक मिनट, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः लॉकडाउन की समीक्षा की, और लॉकडाउन में जो वरिष्ठ अधिकारी गए हैं फील्ड में 19 जनपदों में, उनके संदर्भ में भी बहुत डिटेल्ड में समीक्षा की। उन्होंने हर बड़े ऐसे शहरों की समीक्षा की, उन्होंने आगरा की समीक्षा की, उन्होंने गौतम बुद्ध नगर की समीक्षा की, उन्होंने गाजियाबाद की समीक्षा की, उन्होंने मेरठ की समीक्षा की, विशेष रूप से कानपुर की समीक्षा की, लखनऊ की समीक्षा की, और इसके साथ साथ वाराणसी की समीक्षा की, और उन्होंने एक एक शहर का एक एक विस्तृत जो है समीक्षा करके उनके जो है कार्य जो करने का है निर्देश दिया है। मेडिकल इन्फेक्शन पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, इसको प्राथमिकता से लिया जाए। आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा के लिए भी उन्होंने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को निर्देशित किया है, और वो व्यवस्था भी बन जाएगी और तत्काल रूप से चालू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निजी चिकित्सालय आयुष्मान से आच्छादित हैं और जिनमें सुरक्षा का उपाय है, जिनमें जो है ट्रेनिंग करा दी गई है, केवल उनको जो है स्क्रीन करके उनको जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी, और उनमें यह भी सुनिश्चित होगा कि कहीं भी जो है किसी तरह का संक्रमण ना हो। जो हमारे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं वहाँ डिलीवरी, होम डिलीवरी, स्वास्थ्य और सैनिटाइजेशन सभी चीज़ों के लिए पूरे उन्होंने समीक्षा की है। हम आपको बता सकते हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में जो संख्या है हॉटस्पॉट्स की वो तो लगभग उतनी है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स अब कम हो गए, क्योंकि कई प्रदेशों में, कई हमारे जनपदों में जो हॉटस्पॉट 28 दिन के हो गए थे और वहाँ कई नया जो है केस नहीं आया था, वो अब खत्म हो गए हैं। तो ये प्रगति भी हुई है, काफी लोग अब स्वस्थ होकर वापस भी जा रहे हैं,
ये भी प्रगति हुई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश का जो जो दर है कोरोना के व्यक्तियों का, वो प्रति 10 लाख लगभग हर प्रदेशों से काफी कम है। और ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे मृत्यु दर है उत्तर प्रदेश की, वो भी अन्य प्रदेशों से काफी कम है। और जबकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेशन का प्रदेश है, तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, इनको हम लोग कारगर रूप से जो है जमीन पर उतार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी ये पुनः इस बात का बल दिया है कि आगे भी जो श्रमिक लाए जाएंगे अन्य प्रदेशों से, मेडिकल जांच जरूर होगी और वो क्वारंटाइन से ही लाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति तो प्रयागराज में दूसरे राज्यों के छात्रों को वापस लाया जाएगा। 3 चरणों में इन छात्रों को घर भेजा जाएगा। आप देख रहे थे, सुन रहे थे अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश के, कोटा के छात्र सबसे पहले हम घर लेकर आए, राज्यों के छात्रों का हित सर्वोपरि है। कि यदि आवश्यकता हो तो मंडी कुछ रूरल एरियाज में भी खोल दी जाए, जिससे कि शहर के अंदर घनी आबादी के क्षेत्र में मंडियों में भीड़ ना हो। अभी भी कुछ जगहों पर मंडियों में ये प्रॉब्लम है। वरिष्ठ जो अधिकारी गए हैं जनपद स्तर पर, वो मंडियों का भी जो है निरीक्षण कर रहे हैं और होम डिलीवरी का भी वो जो है समीक्षा कर रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर आज की जो सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है प्रयागराज के छात्रों के लिए, ये बधाई उन्होंने दी है। छात्रों को कहा है कि निरंतर पढ़ते रहें, छात्रों के लिए ये भी कहा है कि ऑनलाइन कोर्सेज करते रहें, लेकिन जो छात्र जाना चाहते हैं उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के पुलिस अधिकारी और वहाँ के सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो कार्य पूरा करें। हरियाणा से जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं उनकी व्यवस्था भी देखने के लिए हर जिलाधिकारी को उन्होंने अच्छी व्यवस्था क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। आज की जो प्रगति आख्या है उसके अनुसार अब तक जो है कुल 7,424 इकाइयां अब कार्यरत हो गई हैं जो हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां हैं। और सतत प्रक्रिया जो इकाइयां हैं, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस की जो इकाइयां हैं, वो 269 चालू हो गई हैं। कुल मिला के 1,32,000 लोग इसमें कार्यरत हो गए हैं। चीनी मिलों ने अपने समस्त गन्ने का जो है क्षेत्र का गन्ने की कटाई अभी लगभग पूरी कर ली है। 80 से 90% गन्ना कट चुका है और चीनी मिलों तक जा चुका है। साथ साथ अब तक 32 चीनी मिलों ने अपना काम भी पूरा कर लिया। 119 चीनी मिल संचालित थी, 32 ने अपना काम पूरा कर लिया है। यानी 1/4 चीनी मिल अपना गन्ना काट के, गन्ना पिराई करके और उन्होंने अपनी मिल भी बंद कर दी। इसके साथ साथ चीनी मिलों में जो है अब तक जो धनराशि दी गई है इस वर्ष 16,660 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। 16,660 आज श्रमिकों का जो 1,000 रुपया दिया जाता है आज जी 60 श्रमिकों का जो 1,000 रुपया दिया जाता है उस 1,000 रुपए के अनुसार अब तक कुल मिला के 28,18,000 श्रमिकों को, नगरी क्षेत्र के श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को, सभी पल्लेदारों को, सबको मिलाकर जो है इतना दे दिया गया है। हमारे यहाँ यूपीडा में भी अब कार्य तेजी से आ गया है और यूपीडा के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अब 5,000 से ज्यादा श्रमिक कार्य कर रहे हैं, 5,064। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में भी लगभग 4,500 काम कर रहे हैं और गोरखपुर लिंक में भी अच्छा कार्य हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में भी काफी तेजी आई है कार्यों में, 12,247 करोड़ से अधिक के कार्य जो है पीडब्ल्यूडी में भी निर्माणाधीन हो गए हैं। सिंचाई विभाग में भी 140 करोड़ से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हो गए हैं। आवास और शहरी विभाग में भी अब जो परियोजनाएं जहां हॉटस्पॉट नहीं है वहां 84 परियोजनाओं में 2,365 लोग कार्यरत हैं और सहायता और इसके अलावा जो
आपूर्ति चेनों से जुड़े हुए दुकानदार हैं। तो सीएम ने नोडल अधिकारियों से जानकारी ली है। सीएम ने सभी अस्पतालों में क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। जो बाहर फंसे मजदूर हैं उनको लाने का काम लगातार जारी है। छात्रों को भी लगातार वापस लाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हॉटस्पॉट खत्म किए गए हैं, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां हजारों की तादाद में मरीज या फिर लोग रह सकेंगे।